हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशांत और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहाँ पर आपको इसी तरह की बेहतरीन फोटो एडिटिंग मिलती रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की एडिटिंग। सबसे पहले गाइस पिक्सल ओपन कर लीजिए, और गाइस मैंने सारे पेजेस और बैकग्राउंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, और ये बैकग्राउंड गाइस मैंने क्रिएट करके आपके लिए रेडीमेड दे दिया है। अगर आपको बैकग्राउंड के सारे पार्ट सेपरेट चाहिए तो उसको वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद सिंपली गाइस ड्रॉ टूल पर चले जाएंगे हम। ड्रॉ टूल पर आने के बाद सिंपली एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेंगे, और फिर सिंपली हम चले जाएंगे ऐड फोटो पर। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारे मॉडल को। अगर मॉडल का बैकग्राउंड क्रॉप करते नहीं आता तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से देखकर आसानी से क्रॉप कर सकते हो। तो इसके बाद मॉडल को कुछ इस टाइप में हमें क्लोज कर क्लिक कराना है, और यहाँ पर कुछ इस टाइप से हम शेड कर लेंगे अच्छी तरह से। और एडिटिंग करते ध्यान से करना गाइस, ताकि आपकी फ़ोटो का भी बेहतर एडिट हो। इसके बाद सिंपली इधर टूल पर जाएंगे और साइज़ को कवर कम कर देंगे, हार्डनेस और ओपेसिटी को फुल कर देंगे। साइज़ को मिनिमम 16x70 कर रख देंगे। इसके बाद सिंपली गाइस यहाँ पर ये वाला पोर्शन हम इरेज करेंगे कुछ इस टाइप से, और फिर सिंपली ऐसे कर देंगे डन। तो इसके बाद गाइस हम लेयर पर चले जाएंगे, बैकग्राउंड को ऑफ कर लेंगे और ये PNG को हम सेव कर लेंगे। इसके बाद फिर से बैकग्राउंड को ऑन कर लेते हैं। ऑन होने के बाद गाइस हम और एक एम्प्टी लेयर सिलेक्ट कर लेंगे। एम्प्टी लेयर सिलेक्ट करने के बाद कलर्स पर जाएंगे। कलर ये पीछे वाला जो येलोइश कलर है कुछ इस टाइप का, जो उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद हम ड्रॉ टूल पर चले जाएंगे गाइस, ब्रश पर, और फिर शेप पर जाकर हमें ये स्क्वायर सिलेक्ट करना है और इसे कर देंगे फिल। फिल होने के बाद गाइस सिंपली कुछ इस टाइप से हमें फुल स्क्रीन पर पेंट कर लेना है, और फिर थ्री डॉट्स पर क्लिक करके इसका कॉपी कर लीजिए। इसके बाद सिंपली मॉडल को सिलेक्ट करके टॉप पर लेके आइए, और फिर थ्री डॉट पर क्लिक करके मर्ज कर लीजिए, और फिर इसकी जो ब्लेंड है उसे हम कर लेंगे 100R पर कुछ इस तरह से। फिर इसे थ्री डॉट पर क्लिक करके मर्ज कर लीजिए, फिर से एक बार मर्ज कर लेंगे हम, और 100 कर देंगे इसका भी ब्लेंड। इसके बाद गाइस हम इसे कर देंगे मर्ज, बैकग्राउंड को फिर से कर देंगे ऑफ, थ्री डॉट पर जाकर फोटो को कर लेंगे सेव। इसके बाद गाइस सब कुछ डिस्कार्ड करके हम बाहर आ जाएंगे बैकग्राउंड के ऊपर। तो यहाँ पर आपको सिंपली ऐड फोटो पर क्लिक करके मॉडल को सिलेक्ट कर लीजिए जो हमने पहले सेव किया था, और इसे फुल स्क्रीन कर दीजिए कुछ इस टाइप से, और यहाँ से कर दीजिए डन। डन होने के बाद गाइस फिर से ऐड फोटो पर चले जाइए, और दूसरा पेज जो हमने क्रिएट किया था उसे भी ऐड कर लीजिए, और इसे कर लीजिए फुल स्क्रीन। और फिर इधर इधर टूल पर चले जाइए गाइस, अच्छे तरह से सेट कर लीजिए फुल स्क्रीन करके। फिर इसके बाद गाइस चले जाएंगे ब्लेंड पर पहले, तो फिर इसकी सेटिंग कर लेंगे हम ऐड, फिर इरेजर टूल पर जाकर इन्वर्ट कर लेंगे, ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रश की साइड आप ध्यान से देख सकते हैं, हार्डनेस को फुल कर लीजिए, साइज़ को इंक्रीज, और फिर सिंपली हमें हमारे मॉडल के साइड से यहाँ पर पेंट कर लेना है, ताकि थोड़ा सा रिमलाइट इफेक्ट आना चाहिए इसलिए। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आप करते वक्त ध्यान से कर लेना। और अभी इस ट्यूटोरियल पर गाइस मैंने और एक वीडियो बना दी है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो गाइस यहाँ पर हमारा पूरा काम तो हो चुका है, अब सिंपली हम यहाँ से कर देंगे डन। डन होने के बाद गाइस हम चले जाएंगे ऐड फोटो पर, यहाँ से हम और एक PNG ऐड करने वाले हैं। जो कि एक फ्लाइंग फिश का है, तो इसे कर दीजिए फुल स्क्रीन।
और फिर सिंपली ऐसे डन। इसके बाद गाइस पिक्सार्ट का काम तो पूरा हो चुका है, अब सिंपली हम चले जाएंगे ड्रॉ टूल पर, फोटो को कर देंगे सेव और बाकी का जो काम है कलर एडिटिंग का वो हम करने वाले हैं लाइट रूम में। तो चलो चलते हैं लाइट रूम की ओर, और लाइट रूम की प्रीमियम वर्जन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी गाइस। तो गाइस हम सिंपली चले जाएंगे प्रोफाइल्स पर, फिर यहाँ पर ऊपर वाला जो बेसिक का है वहाँ पर क्लिक करके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और आर्टिस्टिक सिलेक्ट कर लेंगे, और इसका है ना गाइस आर्टिस्टिक 03 वाला सिलेक्ट कर लीजिए, और इसकी अमाउंट नियर अबो 150 रख दीजिए और सिंपली ऐसे कर देंगे डन। डन होने के बाद गाइस फोटो तो अच्छे से एडिट हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा काम बाकी है, क्लियरिटी वगैरह इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कॉन्टेस्ट को इंक्रीज़ कर लिए 15, हाईलाइट -15, शेडो -15, वाइट को +10 तक, और ब्लैक को भी -15 कर लेते हैं। फिर इसके बाद गाइस हम चले जाएंगे नेक्स्ट टूल पर, टेम्परेचर को +4 इंक्रीज़ कर लेंगे, मिक्स पर चले जाएंगे, ऑरेंज कलर का ल्यूमिनस नॉर्मल माइनस कर लेंगे 6-8, ठीक है। फिर रेड कलर का सेचुरेशन इंक्रीज़ कर लेंगे और ल्यूमिनस को नॉर्मल डिक्रीज कर लेता हूँ, हाँ, और ल्यूमिनस को माइनस कर प्लस कर लेंगे 10 या 12 के पास, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस सिंपली हम डन करके बाहर आ जाएंगे, बाहर आने के बाद यहाँ पर वाइब्रेंस को नॉर्मल बढ़ा लेता हूँ 10 तक, फिर इसके बाद गाइस हम चले जाएंगे नेक्स्ट टूल पर, जहाँ पर हम टेक्स्चर को इंक्रीज़ करेंगे, क्लियरिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे, आप अपने फ़ोटो के हिसाब से इंक्रीज़ करना क्लियरिटी, और विगनेट को भी नॉर्मल कम कर लेते 15 तक। इसके बाद नेक्स्ट ऊपर जाएंगे, फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करेंगे 30 के बीच में रख देते हैं, फिर नॉइज रिडक्शन भी इंक्रीज कर लेंगे 20 तक, और कलर रेजोल्यूशन भी 10 या 12 तक इंक्रीज कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारी पूरी फोटो अच्छे से एडिट हो चुकी है, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।